अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए आज हम बात करेंगे अंबिका मैंगो के बारे में, क्योंकि सुपर हाइब्रिड इसको माना जाता है और काफ़ी बेस्ट मैंगो ये भी है हाइब्रिड किस्म में बहुत देखा जाए तो। तो ये आम का डिमांड काफ़ी ज़्यादा धीमे धीमे बढ़ रहा है और किसान लोग भी आम को लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है। तो चलिए आज हम इसी के लिए बात करेंगे। तो देखिए अंबिका मैंगो एक हाइब्रिड किस्म का मैंगो है जो अम्रपाली और जनार्दन पसंद से इसको तैयार किया गया था, और ये आम देखा जाए तो स्वाभाविक में काफ़ी बेस्ट और काफ़ी अच्छा आम है। किसान लोग के लिए काफ़ी बेस्ट और अच्छा इसलिए कि किसान लोग के लिए आम काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी देने वाला है। दूसरा बात जो रहता है, मतलब अभी के डेट में देखा जाए तो जितना भी सारा आम है उसका जो प्राइस रेट है वो काफ़ी कम मिलता है दूसरे के आम के मुकाबले। और जो आम है जैसे मान लीजिए अल्फांसो है और केसर है, वो ज़्यादा करके देखें तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसको उगाया नहीं जाता है। अल्फांसो आम काफ़ी बेस्ट और अच्छा मान सकते हैं, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ आप देखेंगे तो रत्नागिरी और देवगढ़ में ही उगाया जाता है। पर जो अंबिका आम है एक किसान लोग के लिए इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्यों है, क्योंकि आम जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार या ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो ये आम को अच्छा तरह से लगा के इसमें अच्छा उपजाव के साथ इसको अच्छा रेट भी मिल सकता है। ये आम का काफ़ी ज़्यादा मशहूर इसे भी है कि आम देखा जाए तो अभी के डेट में जितना भी विदेशी आम है उसको ये काफ़ी जल्दी इसको टक्कर देने वाला है। मतलब ये आम सोचेंगे तो एक प्रॉपर आम बना है जो एक किसान को चाहिए। इसका जो साइज़ का क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेस्ट आता है, इसका जो रंग सुंदरता है वो भी काफ़ी अच्छा है और इसका फलन भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही देखें तो काफ़ी ड्रॉ वेराइटी है और टेस्ट में भी यह काफ़ी अच्छा आम होता है। मतलब जितना भी हाइब्रिड मैंगो है उसमें से काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है अंबिका का। अंबिका मीठा भी है और साथ ही साथ देखें तो इसका फ्लेवर टेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये भी आम को देखें तो इसका सुगंध काफ़ी अच्छा होता है, मगर अब ये आम माना जाता है कि अब 2 किलो अगर आप घर में बंद करके रख देंगे, घर खोलेंगे तो आपका पूरा घर मतलब एकदम काफ़ी अच्छा सुगंधित सुगंध आने लगता है आम के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा ये आम हो सकता है। इसका कीपिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आम काफ़ी समय तक इसको टिका कर रख सकते हैं किसान लोग, जो अच्छा रेट में बेच सकते हैं। अब आम जो होता है किसान लोग इस आम के ऊपर डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अभी के डेट में जितना भी जैसे लंगरा दशहरी चौसा जितना भी सारा आम है वो आम देखेंगे तो 1 साल फलता है और 1 साल नहीं फलता है, उस ऊपर से उसका रेट काफ़ी कम आता है। पर जो अंबिका मैंगो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, हर साल फलने वाला है और इसका जो कीपिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ देखें तो इसका सुंदरता है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ भी ये देखा जाए तो ये आम का जो विदेशों में भेजने के लिए जो इसका जो चाहिए कीपिंग क्वालिटी वो तो काफ़ी बेस्ट है ही, टेस्ट में भी ये काफ़ी अच्छा है। मतलब इस आम को देखा जाए तो एक TSS काफ़ी कंट्रोल मात्रा में किया जा सकता है। हाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब आप सोच सकते हैं खराब टेस्ट भी नहीं, मतलब इतना अच्छा इसका टेस्ट है और इतना अच्छा इसका मिठास है जो एक आम को परफेक्ट बना देता है। अब अंबिका आम को देखा जाए तो इसको बनाने के लिए किसान लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत किया था, मतलब आप सोच सकते हैं 20 साल के करीब आम को लग चुका था रिलीज करने के समय। अब क्यों लगा था, क्या आम को काफ़ी अलग अलग मिट्टी, काफ़ी अलग अलग वेदर में और काफ़ी इंडिया के बाद देखा जाए तो जहाँ जहाँ आम होते हैं वो सब जगह आम को लगाया गया था और हर जगह आम का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो ये हम सोच सकते हैं जहाँ जहाँ इंडिया में आम होता है उस जगह हर जगह आम काफ़ी अच्छा हो जाएगा और उस जगह पर भी आपका ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब एक किसान के लिए जैसा आम चाहिए तो वैसा एक परफेक्ट आम मिल गया। साथ ही साथ देखेंगे जो गार्डनर लोग हैं उन लोग भी आम अपने छत और कंटेनर में इसको लगाया जा सकता है। इसका सुंदरता काफ़ी अच्छा होता है, इसका जो रंग रहता है 3 रंग पकड़ता है, शुरुआती ग्रीन आता है, फिर इसमें बैंगनी कलर पर्पल में आता है और फिर इसके बाद ये रेड कलर पर आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा इसका जो होम गार्डनिंग और रूफटॉप गार्डनिंग के लिए काफ़ी अच्छा रौनक भी बढ़ा सकता है आम। अब ये आम आता है
रूफटॉप गार्डनिंग होम गार्डनिंग के लिए काफ़ी अच्छा ही है। साथ ही साथ देखें तो किसान का ये काफ़ी अच्छा भविष्य का भी है। बहुत लोगों का मानना है जो किसान का जो भविष्य है इसी आम पर टिका हुआ है, और ये आम का डिमांड किसान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब किसान आम को लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये आम का डिमांड कर रहे हैं, तो आप सोच सकते कितना अच्छा इसका डिमांड है। हो सकता है आगे फ्यूचर में आम सबसे बेस्ट और सबसे नंबर वन आम बन सकता है, जिस तरह से इसका डिमांड है और जिसका इसका फलन सुंदरता और टेस्ट है वो हिसाब से ऐसा लगता है कि अंबिका आगे चल के सबसे बेस्ट और सबसे नंबर वन आम बन सकता है। तो ऐसा ही वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर।